चैनल डेली रिव्यू। दोस्तों आज जो प्रोडक्ट रिव्यू मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, आज मैं एक फेस वॉश की रिव्यू आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ गाइज। यस दोस्तों, काफ़ी लेट हो गया मुझे इस फेस वॉश की रिव्यू शेयर करने के लिए गाइज, तो फिर भी चलिए आज शुरू करते हैं। एंड ये फेस वॉश है निविया का मिल्क डिलाइट्स फेस वॉश दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और मेरी ऑयली स्किन है तो मैंने ये ऑयली स्किन वाला जो है परचेस किया हुआ है, जो कि आता है फाइन ग्राम फ्लावर वाला दोस्तों, ऑयली स्किन के लिए। ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि हल्दी का यहाँ पे एक अमाउंट है एंड दूध के साथ ये स्प्लैश हो रही है गाइज, आप लोग देख सकते हैं। इसकी जो प्राइस है मैं आपको इसकी प्राइस बता दूँ, ये आता है 85 रुपीज़ का गाइज। एंड इसकी जो प्रोडक्ट की जो क्वान्टिटी है ये 50 ml का प्रोडक्ट है गाइज। एंड इसमें 4 वेरिएंट्स मिलते हैं अलग अलग स्किन टाइप्स के, तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से ले सकते हैं। ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, अपने अपने हिसाब से मिलते हैं। तो चलिए इसका जो है रिजल्ट देखते हैं। मेरा कम्प्लीटली फेस बेयर है और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है गाइस, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ इसकी रिव्यू और भी डेमो शेयर करूँ दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसे अपने फेस को थोड़ा वेट कर लूँगी गाइस। आई जस्ट वेट माई फेस, मैंने फेस को जो है वेट कर लिया है। मुझे पैकेजिंग काफ़ी इसकी अच्छी लगी है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक एक पानी के ड्रॉपलेट के जैसे कुछ उस तरीके से इसको रिलेट किया गया, और एक बहुत प्यारी सी बॉटल का ये शेप है गाइस। तो फेस वेट मेरा मैंने कर लिया है। एंड मैं आपको इसका अंदर से भी बता दूं दोस्तों, वाइट मिल्क फार्मूला है इसका, आप लोग देख सकते हैं मिल्की फार्मूला है। और जैसे कि हल्दी की तासीर है ना इसके अंदर, तो आपको दिखेंगे पीले पीले ना आपको दाने दिखेंगे इसमें गाइस, आप लोग जब इसे परचेस करेंगे ना तो इस तरीके के इसमें पीले पीले दाने। आई डोंट नो आप लोगों को स्क्रीन से कितना विजिबल होगा, क्योंकि बहुत महीन है, बहुत ज़्यादा बारीक है ये। तो चलिए इसे भी फेस पे अप्लाई करते हैं दोस्तों। और वैसे तो ऑयली स्किन वालों के लिए जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स रहते हैं, जैसे कि क्लीन एंड क्लियर हो गया या दूसरा हिमालय का फेस वॉश हो गया, वो बेस्ट रहते हैं दोस्तों। बट मैंने इसे यूज़ किया है पहले भी, बॉटल ऑलमोस्ट फिनिश होने को आ गई है गाइस। मैंने सोचा मुझे वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है इसकी रिव्यू शेयर करते हुए, तो मतलब आपने मतलब 1-2 मिनट की मसाज देनी है अपने फेस पे। मिल्की फॉर्मूला है, काफ़ी अच्छा है, बट आप जब इसे यूज़ करेंगे ना गाइस, तो आपको है ना हल्का सा वो एक मैं कहूँगी एक माइल्ड सी सेंसेशन फील होगी अपने फेस पे। तो और उसकी जो खुशबू प्रॉपर क्लेंसिल मिल्क की जैसे खुशबू आती है ना गाइस, जो निविया का क्लेंसिल मिल्क आता है, आपने निविया के क्लेंसिल मिल्क आपने कभी यूज़ किया है कि नहीं दोस्तों? मैंने उसकी रिव्यू कर रखी है, मैं ऊपर आई बटन दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हो, आई बटन को क्लिक कीजिए, उसकी रिव्यू चेक कीजिए। एंड मुझे काफ़ी ये पसंद आया है, क्योंकि बहुत मुझे मिल्की मिल्की जैसे क्लेंसिल मिल्क हम यूज़ करते हैं ना, उस तरीके से ये फील होता है गाइस। थोड़ा नेक पे भी मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं नेक पे भी सोप नहीं लगाती हूँ या शार जेल्स मैं नेक पे नहीं लगाती हूँ गाइस, मैं फेस वॉश नेक एंड फेस दोनों पे यूज़ करती हूँ दोस्तों, आप लोग गुनिका को सुन ही सकते हैं गाइस। तो चलिए मैंने फेस पे जो है मसाज कर ली है, अच्छे से फेस क्लीन कर लिया है, तो मैं पानी से फेस को क्लीन करके देन आई गेट बैक दोस्तों। सो गाइज आई एम बैक, मैंने ओनली वाटर से फेस को जो है क्लीन किया है, और आप लोग इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं वेरी विजिबली। पहले फेस को मैं पैट ड्राई कर लेती हूँ, एंड आप लोग देख सकते हैं फेस वॉश अच्छा है। आप देख सकते हैं मैंने फेस को पैट ड्राई कर लिया है, और वीडियो के शुरू में आपने देखा था फेस, और अभी देखिए आप, इट इज़ रियली वेरी गुड, वेरी नाइस। हाईली रिकमेंड करती हूँ ऑयली स्किन वालों को ये फेस वॉश। एंड जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है, क्लेंसेस एंड रिमूव्स एक्सेस ऑयल फॉर हेल्दी ग्लोइंग स्किन। सो येस, ऑयल बिल्कुल भी मुझे फेस पे फील नहीं हो रहा, हालांकि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, खुल के बारिश नहीं हो रही है, तो आई एम फीलिंग रियली वेरी नाइस। आप लोग फेस का ग्लो देख ही सकते हैं इन जस्ट वन वॉश, आप लोग देख सकते हैं इसका ग्लो, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। प्लस मैं आपको इसकी बेनिफिट एक और बताऊँ गाइस, कि जैसे कि मैंने जब इसे यूज़ किया, मैंने आपसे कहा ना कि इसके अंदर ऐसा लगता है कि निविया का क्लेंसिल मिल्क है, क्योंकि मिल्क फॉर्मुलेशन है इसकी, जो फॉर्मूला है इसका मिल्क की तासीर है। तो जो लोग जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप लोग रोज़ क्लेंसिल मिल्क नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपने इसे जो है यूज़ करना चाहिए गाइस। अगर क्लेंसिल मिल्क अगर हम रोज़ यूज़ करें ना, तो हमारा स्किन टोन अच्छा होगा, हमारी स्किन हेल्दी रहेगी, और लंबे समय तक हमारी स्किन में वो ग्लो बना रहेगा, मतलब
एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, वो ग्लो रिटेन रहेगा, जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती है, फाइन लाइन्स नहीं आती है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी ये निविया का मिल्क डिलाइट्स फेस वॉश दोस्तों। इसे ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं एंड इसे जो है नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसी भी आपकी स्किन टाइप है, निविया में 4 वेरियंट्स है तो आप उस तरीके से अपने लीजिए जैसे आपकी स्किन टाइप है। तो दोस्तों तो इट्स ओवरऑल अ गुड प्रोडक्ट, वेरी गुड थम्स अप अपर हैंड फॉर दिस प्रोडक्ट गाइस। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रिव्यू विद डेमो जो है पसंद आई है दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है मेरी अबाउट निविया मिल्क डिलाइट्स, तो मेरी वीडियो को डेफिनेटली दोस्तों लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल डेली रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा गाइस। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी को अगली वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, बाय।